मुसलमानों, बचो कबूतर की बद्दुआ से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम ने घर में कबूतर का जोड़ा रखने की हिदायत क्यों की थी, जानकर हर शख्स ऐसा करेगा। दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और मजेदार है। तमाम दोस्त ये छोटी सी वीडियो आखिर तक जरूर देखें। कबूतर एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है, और यही वजह है कि ये परिंदा अक्सर घरों में पाला जाता है, और घरों के अलावा अक्सर मजारों पर भी ये परिंदा मौजूद होता है। कहते हैं कि कबूतर वो जानवर है जिसके लिए हजरत नूह अलैह सलाम ने अमन व सलामती की दुआ फरमाई थी, और यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कौवे को खौफ की बद्दुआ दी जाती है। यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से हिरासा रहता है, इसी वजह से लोग आज तक इसे मनहूस समझते हैं। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं, एक बात तय है कि कबूतर बहुत वफादार परिंदा है। हजारों घरों में से अपने घर की छत पहचान लेता है, हत्ता के अपने मालिक की हू को भी पहचान लेता है। किसी जमाने में कबूतर जासूसी के लिए भी बहुत अहम हुआ करता था, और जंगों में कबूतर का किरदार बहुत नुमाया रहा है। मुखबरी के हवाले से ये एक नायाब परिंदा है, पैगाम रसानी के हवाले से भी बहुत बाएतमाद है। खास तौर पर आशिको माशूक के मामलात में कबूतर बहुत माविन साबित होता है। यही वजह है कि हमारे फिल्मी और गैर फिल्मी गीतों में कबूतर को बहुत अहमियत दी जाती है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी महफिल दुआ का हिस्सा बनने के लिए कमेंट में अपना नाम तहरीर करें। जी तो दोस्तों, कि घर में कबूतर पालना कैसा है, और ये कि कबूतर बद्दुआ देता है। कबूतर पालने के बारे में बात करने से पहले आपके लिए कबूतर की एक पुरानी कहानी पेश है। तफसीर में है कि हजरत नूह अलैह सलाम ने जब कश्ती को जूदी पहाड़ी पर ठहराया, आप अलैह सलाम ने कश्ती का वो हिस्सा खोला जहां परिंदे रहते थे, तो आप अलैह सलाम ने कव्वे से फरमाया, जमीन को देख कि इसमें कितना पानी है या कितना शहर गर्क हो चुका है। कव्वे को एक मुर्दार जानवर मिला और उसी को खाने में मस्त हो गया, वापस ना आया। चुनाचे हजरत नूह अलैह सलाम को खुश्क और सख्त जमीन की जरूरत थी, इसीलिए इसके देर करने पर कबूतर को भेज दिया। उसे जमीन का कोई खत्ता भी नजर ना आया, इसलिए जैतून का पत्ता लेकर हाजिर हो गया। इससे हजरत नूह अलैह सलाम ने अंदाजा लगाया कि पानी कम है, जिससे दरख्त जाहिर हो गए हैं, लेकिन जेरे आप है। चंद दिन ठहर कर फिर उसी कबूतर को भेजा तो जमीन की कीचड़ में इसके पांव भर गए। वापस आया तो हजरत नूह अलैह सलाम ने इसे देखकर अंदाजा लगाया कि अब पानी जमीन में जज्ब हो गया है, लेकिन जमीन खुश्क नहीं हुई। हजरत नूह अलैह सलाम कबूतर की इस कार्रवाई पर बहुत खुश हुए और इसके गले में सब्स तोक पहनाया। आज वही तोक कबूतर की इस खुशबख्ती की खबर देता है, और साथ ही हजरत नूह अलैह सलाम ने कबूतर के लिए अमन और सलामती की दुआ फरमाई। यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कव्वे को खौफ की बद्दुआ दी। यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से हिरासा रहता है, इसी वजह से लोग आज तक इसे मनहूस समझते हैं। तफसील रूहुल बयान। ये तो कबूतर की कहानी थी। एक ऐसे कबूतर ने हजरत नूह अलैह सलाम की बात मानी और इनके लिए खबर लाने का काम किया। फुकाहा के नजदीक घरों में शौकिया परिंदे रखना और पालना जायजो मुबा है, बशर्ते इनकी गजा सर्दी गर्मी और बारिश से हिफाजत का इंतजाम किया जाए, और जब अहले खाना कहीं बाहर जाए तो इनकी गजा और देखभाल का मुनासिब इंतजाम करके जाए। सैयदना अनस रजी अल्लाह ताला अन्हों के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम इनके हाथ तशरीफ लाते तो उससे कहते, ऐ अबू उमैर, परिंदे ने क्या किया? ये हदीस इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम ने परिंदे रखने से मना नहीं फरमाया। अगर घरों में परिंदा पालना मना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम जरूर अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो के भाई को इस बात से मना फरमाते। इसी रिवायत की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि घर में
परिंदों को पालना जायज है, लेकिन जैसे कि पहले भी जिक्र हुआ है कि इनके पालने के लिए जरूरी है कि परिंदों की हर जरूरत को पूरा किया जाए ताकि परिंदों को किसी किस्म की कोई तकलीफ न पहुंचे। चुनाचे कबूतर भी एक परिंदा ही है, इसीलिए कबूतर का घर में पालना दुरुस्त है। याद रहे कि परिंदों को सताने के बारे में ममानियत है, जैसे कि अबू दाऊद में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत करदा एक हदीस में कबूतर का जिक्र है, जिसमें कबूतर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर मंडला रहा था और अपनी जुबान में शिकायत कर रहा था कि किसी ने इसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान किया और एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अंडे उठाना कबूल किया तो उन्हें हुक्म दिया गया कि वो घोंसले में अंडे वापस रख दें। तो इस रिवायत से मालूम हुआ कि परिंदों को सताना नाजायज है और परिंदों को सताने से इसलिए रोका गया है कि परिंदों की बददुआ लगने का एहतमाल है, और चूंकि कबूतर भी उन परिंदों में शामिल है जो कि अंबिया का पसंदीदा रहा है, इसलिए अगर कबूतर को सताया जाएगा तो कबूतर भी बददुआ दे सकता है, लिहाजा कबूतर को सताने से इज्तनाब करना चाहिए। कबूतर के हवाले से आपको बताते हैं कि इस्लामी तालीमात इस बारे में क्या कहती हैं। अहदीस में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं, अहले बैत को दोस्त रखते हैं और साहिब खाना को दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। किसी शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जोड़ा कबूतर का पाल ले। जाफर फरमाते हैं कि कबूतर पैगंबरों के परिंदों में से है, कबूतर घर में रखो। चूंकि हजरत नूह अलैहि सलाम ने इसको पसंद किया है और दुआ दी है कि किसी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है, आपने फरमाया जिस घर में कबूतर हो उसके रहने वाले जिनों की आफतों से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिनों के बच्चे घरों में खेलते फिरते हैं जिसमें कबूतर होते हैं वो इनमें मशगूल रहते हैं और आदमियों की तरफ मुतवज्जो नहीं होते। इसी तरह एक और रिवायत में आता है, कबूतर का जो पर झड़ता है वो शयातीन की नफरत और भागने का सबब होता है। इन रिवायात से ये बात मालूम हुई कि कबूतर का घर में पालना मौजिबे बरकत है, और जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को घर में कबूतर पालने का कहा था, तो इससे ये बात मालूम होती है कि कबूतर पालने में खैर है, कबूतर पालने के साथ मुंसलिक है। याद रहे कि बाज लोग शौक से कबूतर पालते हैं, इनका शौक कबूतर पालने की हद तक होता है, लेकिन बाज लोग कबूतर बाजी की नीयत से कबूतर पालते हैं, और चूंकि कबूतर बाजी में वक्त और पैसे का जिया है, याद रहे कि कबूतर पालना एक महंगा और मेहनत तलब शौक है। कबूतर बाजी के मुकाबले अक्सर सख्त गर्मी में होते हैं, इनकी तैयारी सारा साल जारी रहती है। शौकीन अफराद एक एक कबूतर पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। आला नस्ल के इन कबूतरों को खास तरीके से तरबियत दी जाती है और ये मुकाबले सूबाई और कौमी सतह पर होते हैं। शौकीन अफराद आबादी में जगह जगह पिंजरे लगाकर अपने वक्त का काफी हिस्सा इन पालतू परिंदों पर सर्फ करते हैं, इसीलिए अगर कबूतरबाजी के बारे में अगर फुकाहा से पूछा जाए तो वो इसको दुरुस्त नहीं मानते, क्योंकि इसमें मालो वक्त का बहुत ज़िया होता है जो कि फजूल खर्ची में आता है, इसीलिए हमें ऐसे कामों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी या फिर जस्ट टाइम पास? आपका फीडबैक हमारी हौसला अफजाई के लिए काफी सूदमंद होता है। हो सके तो हमारी आज की वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो फिर किसी और मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।